देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 इरिडोव का कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। 16 क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो आप यहां पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे जरा देखते हैं। पहले इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को जरा विजुलाइज करिए और अप्रोच हमारे लिए क्वेश्चन की क्या रहेगी। देखिए अगर यहां पर एक स्फीयर लेट किया जाए, अगर एक यहां पर स्फीयर लेट किया जाए तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए कैसा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। तो पहले आप वेक्टर ए लेट करिए, कहीं भी आप वेक्टर ए लेट कर सकते थे, कांस्टेंट है, कहीं भी लेट करें। आदत के हिसाब से हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ले लिया। इसके बाद है आर वेक्टर, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। तो जो आपको आर वेक्टर लेना है उसके लिए आप क्या करें, आर डिस्टेंस पर यहां से आर डिस्टेंस पर आप एक डी आर विड्थ का एक स्फेरिकल शेल लेट करें। डी आर विड्थ का, इनफाइनाइटिज्मली स्मॉल डी आर विड्थ का एक स्फेरिकल शेल आप लेट करें। तो अब ये हो गई शेल, ठीक है। ऐसी कई सारी शेल होंगी, अगर आप एक शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पता कर सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 16 है। शेल की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता कर ली फिर जीरो से कैपिटल आर आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ही हम लोग पूरा यहां पर सॉल्व फिर से आप मान सकते हैं कर रहे हैं। तो यहां पर आपने लिया जो ये विड्थ है इसे हम लोग ले लेते हैं डी आर, और ये हो गया हमारे लिए यहां तक आर वेक्टर। ए आर कॉस थीटा, थीटा है एंगल ए और आर के बीच में। अब ये जो आर एंगल है ना, ये देखिए ए आपको गिवन है और ये जो आर एंगल है ये आर 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 सेम होगा। अगर आप देखें इसको तो ये क्या बनेगा, कोण। और कोई भी साइड आप एक्सिस से लेंगे वो थीटा डिग्री पर होगी, यानी कि हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल हो गया एक तरीके से। तो आप इसे हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल लेट करते हुए थीटा डिग्री पर आप लेट करें एक डी थीटा एलिमेंट, ये हो जाएगा डी थीटा एलिमेंट। और ये आपने यहां पर इस शेल में डबल इंटीग्रेशन है, इस चीज को समझिएगा, ये आपने एक रिंग लेट करी। तो ये जो शेल है कई सारी रिंग का कॉम्बिनेशन है और कई सारी शेल का कॉम्बिनेशन ये सॉलिड स्फीयर होगा। अगर आप रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो इंटीग्रेट करके शेल किया जाएगी, और शेल किया जाएगी तो जीरो से आर इंटीग्रेट करके स्फीयर किया जाएगी। यही क्वेश्चन की अप्रोच है। अब सबसे पहले यहां पर चार्ज कैलकुलेट करें। देखिए ये रिंग जो है इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, या शेल पर पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। देखिए थीटा यहां पर आएगा ए के साथ 0 डिग्री, तो यहां पर चार्ज ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे होगे चार्ज की वैल्यू, और 90 डिग्री पर तो चार्ज हो जाएगा 0। यहां पर ये सिमिट्री है, यहां पर चार्ज हो जाएगा 0। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। सेकेंड और थर्ड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसको समझिएगा। और ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ऐसी ही रिंग्स यहां पर होंगी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो डबल आपको कर देना है, या इंटीग्रेशन में देख लेंगे लिमिट लगाकर। अच्छा अब ये जो आपने रिंग लेट की है इसको जरा देखते हैं। इस रिंग का वॉल्यूम हमें देखना है, तो पहले रिंग की लेंथ 2 पाई आर साइन थीटा। देखिए इसका रेडियस क्या होगा, आर साइन थीटा, तो इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर साइन थीटा। इसके बाद ये दे रखा है आर डी थीटा इसकी ब्रेथ, और डी आर इसकी थिकनेस और है, डी आर थिकनेस और है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आप पता कर सकते हैं, डी आर आपको बस लेट करना है, विजुलाइज करना है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आएगा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी आर, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक। तो ये है आर डी थीटा, यहां पर आर डी थीटा, और इधर है डी आर, ऐसा आप लेट कर सकते हैं। अलोंग द रेडियस जो थिकनेस है वो डी आर है। अब यहां पर इस रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार पहले हम लोग जरा चार्ज और कैलकुलेट कर लें। तो देखिए डी क्यू कितना आ जाएगा,
अगर डी क्यू लिखे तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वहां पर ए आर कॉस थीटा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए टू पाई आर क्यूब, ए आर कॉस थीटा, ए और आर यहां पर आ गया कॉस थीटा में, यहां पर आप लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा डी आर, ठीक है। अच्छा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहां पर आर क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग, आर साइन थीटा, और एक्स क्या है? एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, ये है एक्स, और ये किसके बराबर होगा? आर कॉस थीटा। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू जब रखेंगे आप देखिए, अब वैल्यू रखते हैं तो यहां पर आएगा देखिए के डी क्यू की ये वैल्यू है, और एक्स आएगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आर पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही वैल्यू उठा के रखनी है, ए टू पाई आर पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डी आर डिवाइडेड बाय, देखिए रिंग का रेडियस है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होल स्क्वायर, आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, आर स्क्वायर पावर 3/2 आर क्यूब, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आर क्यूब। इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो ये रिजल्ट आएगा के को देखिए रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब से आर ये कैंसिल, तो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, क्योंकि डी आर बाद में इंटीग्रेट करना है, बाकी का जो टर्म है वो है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे आप 0 से पाई, कैसे? देखिए पूरी रिंग 0 से पाई तक, लोअर हाफ तो अपने आप आ जाएगा, 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी शेल इंटीग्रेट हो जाएगी, तो ये आएगा ए आर डी आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेट इसको देखिए कैसे किया जाए, तो अगर हम कॉस थीटा को टी लेट करें तो डी टी इज इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, यहां पर आप इसे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आएगा ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कॉस थीटा टी लेट किया है टी स्क्वायर, और ये साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी, तो माइनस साइन आप चाहें तो यहां पर बाहर लगा दें, इंटू डी टी इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए आर डी आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टी क्यूब बाय 3, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस ए आर डी आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कॉस क्यूब थीटा, और जिसकी लिमिट है 0 से पाई। अब यहां पर फाइनल जो आंसर है डीई, अभी हम केवल शेल की ही इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो जो ये आंसर होगा ये आप लिख सकते हैं, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई -1, -1 का क्यूब भी -1, लोअर लिमिट -cos 0 -1 -1 -1 -2, मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे रिजल्ट ए आर डी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अब आपको पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो आप यहां पर जो ई नेट आएगा वो ई नेट होगा इसका इंटीग्रेशन, तो आपको इसे इंटीग्रेट करना है ए आर
अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, और लिमिट लगेगी 0 से आर। इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, आर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट शिमिट सब हमने लगा दी, तो आंसर आ गया ई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप देखिए ये रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 16th में डायरेक्ट अगर आप यूज कर लेते हैं तो बस आपको दो स्टेप्स यहां पर यूज करने होते हैं, ठीक है। नोट करिए, एक और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जरा देख लीजिए, यहां पर मैंने नहीं शो किया। देखिए स्फीयर पर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, शेल पर तो दिखा दिया, अगर ये जो स्ट्रिप कट किए, देखिए थीटा डिग्री पर ए आर कॉस थीटा फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो गई, और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की तरह बिहेव करेगा। नोट करिए इसको,